नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। चलिए जानते हैं कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दहन क्या होता है, उसके बाद हम दहन के प्रकार देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि ज्वाला किसे कहते हैं, उसके बाद हम ईंधन की परिभाषा और उसकी दक्षता को विस्तार में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि दहन क्या है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसके जलने के दौरान प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। वैसे ही कोयला भी जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश दे, उसे दहन कहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में ऊष्मा और प्रकाश की जरूरत पड़ती है और ईंधनों को जलाने से हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलते हैं। हम अक्सर घरों में, उद्योगों में और वाहनों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। कुछ जाने पहचाने ईंधन है कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि। हम सभी ने कोयले और मोमबत्ती को जलते हुए देखा है, परंतु इन दोनों के दहन में अंतर क्या है या इन दोनों के जलने में अंतर क्या है? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन कोयला बिना ज्वाला के जलता है, यही अंतर है। दहन को समझने के बाद हम पदार्थों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला भाग है अदाह्य पदार्थ, यानी जिनका दहन नहीं हो सकता। इसके उदाहरण है लोहा, पत्थर आदि। दूसरे है दहाय पदार्थ, यानी जिनका दहन हो सकता है। इसके उदाहरण है मोमबत्ती, कोयला आदि। अब क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? चलिए इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले आप एक मोमबत्ती को जलाइए और उसे चिमनी से इस प्रकार ढकिए कि उसमें वायु अंदर जा सके। उसके बाद आप पाएंगे कि मोमबत्ती तो जल रही है। अब उस मोमबत्ती के ऊपर एक लकड़ी का गुटका रख दीजिए ताकि वायु का अंदर जाना बंद हो जाए। अब आप देखेंगे कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी के गुटके को रखने से वायु का यानी ऑक्सीजन का चिमनी के अंदर जाना बंद हो गया। तो उसे थोड़ी देर क्यों लगी बुझने में? क्योंकि चिमनी के अंदर जो कैद ऑक्सीजन था उसे खत्म होने में वक्त लगा। तो इससे सीख मिलती है कि दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। चलिए अब हम एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं ज्वलन ताप, यानी इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम ताप यानी मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पदार्थ जलने लगता है, उसे ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ का। तो एक दहाय पदार्थ के दहन के लिए उसके ज्वलन ताप से अधिक ताप देना जरूरी है, यानी उसके ज्वलन ताप के नीचे के तापमान पर वह नहीं जलेगा। तो लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से अधिक होता है और सोडियम का ज्वलन ताप कमरे के ताप से कम होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि कमरे के ताप पर लकड़ी नहीं जलती पर सोडियम आग पकड़ लेता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफी कम होता है और वो सरलता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ज्वलनशील या अंग्रेजी में फ्लेमेबल कहते हैं। अब पोटेशियम ले लीजिए, उसे हम जैसे ही मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तो वो कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। तो पोटेशियम एक ज्वलनशील पदार्थ है। वैसे ही अन्य उदाहरण है पेट्रोल, गैस आदि। तो यदि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जिसमें आग लग गई हो, तो आप तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो आग उत्पन्न करने के लिए हमें ईंधन चाहिए, वायु चाहिए और ऊष्मा चाहिए। तो इनमें से किसी को भी हटाकर हम आग को नियंत्रण में ला सकते। चलिए अब हम दहन के प्रकारों की चर्चा करते हैं। दहन के तीन प्रकार हैं।
पहला है तीव्र दहन। यह साधारण दहन है जो हम रोज देखते हैं, जैसे स्टोव की घुड़ी घुमाते ही गैस जलने लगती है, यह तीव्र दहन है। दूसरा है स्वतः दहन। तो पहले हमने पोटेशियम की बात की, वह उदाहरण है स्वतः दहन का। स्वतः दहन में क्या होता है कि एक पदार्थ अचानक से जल उठता है, तो सोडियम भी कमरे के तापमान पर अचानक से स्वतः जल उठता है, यह भी स्वतः दहन का उदाहरण है। तीसरा है विस्फोट। एक आकस्मिक दहन जिससे ऊष्मा और प्रकाश पैदा हो उसे विस्फोट कहते हैं। जब हम फटाके जलाते हैं तो वह क्या है? विस्फोट है। अब हम ज्वाला की चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा करने के लिए मेरा दोस्त हेमंत कुमावत आपका साथ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ज्वाला के बारे में जानते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे सभी पदार्थ ज्वाला पैदा करते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः मोमबत्ती जलने पर ज्वाला का निर्माण करती है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसलिए ज्वाला पैदा नहीं करता है। चलिए अब हम मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान लेते हैं। सबसे पहला भाग, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कार्बन तत्व का पूर्ण दहन होता है, अतः यह भाग सबसे गर्म भाग होता है। दूसरा भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का आंशिक दहन होता है, अतः पहले की तुलना में यह भाग थोड़ा कम गर्म होता है। तीसरा भाग, सबसे कम गर्म भाग। इस भाग में कार्बन तत्व का बहुत ही कम दहन होता है, अतः यह भाग अन्य की तुलना में सबसे कम गर्म होता है। अब हम ईंधन के बारे में जानते हैं। ईंधन, ऊष्मा ऊर्जा के स्रोतों को ईंधन कहते हैं। कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि सभी ईंधन के उदाहरण हैं। चलिए अब हम एक अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, वह ईंधन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, वह सस्ता होना चाहिए ताकि सभी वर्ग के सभी लोग उस ईंधन को खरीद सकें। तीसरा, वह ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े, और अंतिम वह ईंधन सुगमता से जले। ऊपर दिए गए सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहते हैं। परंतु कोई भी ईंधन आदर्श ईंधन नहीं है, क्योंकि कुछ ईंधन अगर सस्ते हैं तो हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं। अतः एक ईंधन इन सभी मापदंडों को पूरा करे ऐसा नामुमकिन है। अतः हमें एक ऐसा ईंधन चाहिए जो ज्यादातर मापदंडों को पूरा करे। ईंधन दक्षता, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक से नापा जाता है। लकड़ी का ऊष्मीय मान है 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। कोयले का ऊष्मीय मान है 25,000 से 35,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। वहीं पेट्रोल का ऊष्मीय मान है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ईंधन के दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन न जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। ये कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह गैस अत्यंत विषैली गैस होती है। ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्णन का कारण बनती है।